देख सकते हैं कितना कोहरा पड़ा है। और अभी टाइम हो रहा है 10:10 हो रहा है और देखिए कितना कोहरा पड़ा हुआ है। मैं अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ, अभी स्वेटर नहीं पहना है मैंने। और देखिए मैंने ये वरवर हाथ चूड़ी पहनी हुई है, यहीं पे आके पहनी है। मेरे इधर ना मेरी मम्मी को ना वो बहुत ही सिद्धांत वाली हैं और थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों का बहुत विचार करती हैं। देखिए ठंड है, मुँह से भी धुआं निकल रहा है, बहुत ठंड है। तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है ना कि ये एक एक हाथ में कड़े पहन लो या एक एक चूड़ी दो दो चूड़ी डाल लो, उन्हें इस तरह से पसंद है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी ना कांच की चूड़ियाँ अगर पहननी होती ना तो मुझे ये रेड कलर में ही पसंद है। तो ये देखिए मम्मी ने ही कड़े दिलाए थे और मम्मी ने ही चूड़ियाँ दिलाई थी, तो मैंने वही पहन लिया। जिस दिन आई थी उसको दूसरे दिन मुझे मार्केट ले गई थी, तो वहाँ से लेके आई हुई थी। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है इधर का। और हेयर वॉश किया हुआ था ना, तो अभी बिंदी कुछ नहीं लगाई है, अभी जाके लगाऊंगी। और समझ में नहीं आता है यहाँ पे क्या ब्लॉगिंग करूं, पूरा दिन सबसे हंसने बोलने में बातें करने में निकल जाता है। देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है, अभी भी इतना टाइम हो गया है। और आज ना मुझे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ठंड है भाई बहुत। कितना अच्छा लगता है ना हम लोग इधर इस तरीके से ससुराल में जैसे रहते हैं ना, हालांकि मैं वहां पे भी अकेली रहती हूँ तो मुझे कोई इतना वो नहीं रहता है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी रहती है। सुबह जागो, अपने घर के काम करो, अगर थोड़ा सा लेट भी हो जाऊँ ना तो मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई नहीं रोकने टोकने वाला है। बट एक आदत सी पड़ गई है अपने समय से सारे काम करने की। और इधर आते हैं ना तो सभी का होता होगा, आप लोगों का भी यही हाल होता होगा, हम लोग जब मायके जाते हैं तो मतलब एक फ्रीडम कि जाग के ये नहीं करना है, जाग के वो नहीं करना है, बस जागने के बाद में बढ़िया नहा दो, ब्रश वगैरह कर लो और बस नाश्ता पानी करो बढ़िया सा, मतलब एक हैडक नहीं रहती है यार, हमको ये करना है हमको वो करना है। बस आप अपने बच्चों को देख सकते हैं तो देखिए, बाकी बच्चों को तो देखना ही पड़ता है। देखिए हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना तो बच्चों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा पड़ जाती है, अदरवाइज एकदम फ्री वाली लाइफ होती है। बहुत ज्यादा ठंड है, स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो व्यू कितना अच्छा आ रहा है, तो वही मेरे साथ भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस मेरे जाने का भी टाइम हो जाएगा एक दो दिन में, ठंड बढ़ रही है। जब मैं पहले स्वेटर पहन लूँ फिर आप लोगों से बात करूँ, वैसे भी सर दर्द हो रहा है, ठंड लग गई ना तो तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए आज आप लोगों को कहीं लेके चलती हूँ, बस जस्ट अभी निकलूंगी, थोड़ा सा बिंदी लगा लूँ, वरना पता है ये ना हमारा जो मायका है ये कस्बा है, मतलब ये कस्बा एरिया है यहाँ का। और हालांकि बहुत अच्छा है, बहुत डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है, बट ना ये मोहल्ले वाले हैं ना मेरे, और हमें यहाँ सब लोग बहुत चाहते हैं, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे घर वाले, सभी लोग बहुत चाहते हैं। तो देखेंगे ना ये कैसे घूम रही है, इसकी बिंदी तक नहीं लगी है तो पता, बहुत डांटेंगे सब लोग, डांटेंगे एक तरफ से, काहे बिट्टी तुम्हारी सास ने कछु सिखाओ नहीं का तुम्हें, बिंदी कहाँ गई तुम्हारी, तो इस तरह से करके बहुत डांट पड़ेगी मेरी। तो बस अभी मैं थोड़ा सा बिंदी लगा लूँ और उसके बाद जाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। आज रेलवे क्रॉसिंग के पार जाऊंगी और मेरे घर से बिल्कुल सामने रेलवे क्रॉसिंग है। मैं अपनी कल की वीडियो में थी, वो देखिए हल्की सी पटरी मेरे सर के पीछे दिख रही होगी, वो रेलवे क्रॉसिंग है। और अभी चल रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, रास्ते का व्यू भी दिखाती हूँ। और आज अगर नहीं गई ना वापस अपने घर तो हो सक जितना भी हो सकता है उतना सब लोगों से मैं मिलवाने की कोशिश करूंगी और दिखाऊंगी भी आपको सब कुछ। हाँ यार 11 o'clock होने जा रहा है, कोहरा है। हाँ देख लिया बच्चे की बातों को आकर्षित। हेलो, तो चलिए फिर अब टाइम नहीं गवाते हैं, अगर सडनली जाने का प्रोग्राम बन गया ना तो फिर मैं कम से कम एक दो जगह हो तो आऊंगी। चलो बेटा चलते हैं, चलो शिवम मामा के यहाँ चले। ये देखिए डक, देखिए डक दिख रहे हैं आप लोगों को,
क्या बोलते हैं इनको, नाम भूल गया, पंडुप्पी, पंडुप्पी बोलते हैं, याद आ गया। तो चलिए आप लोगों को भी मिलवाती हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। और मेरे घर के जस्ट सामने, या हाँ जस्ट सामने रेलवे क्रॉसिंग है, तो जिनके यहाँ जा रही हूँ ना, तो ये क्रॉसिंग मुझे पार करके ही जाना होगा। तो मैंने सोचा लाइए आप लोगों को भी ये ट्रैक दिखा दूँ, रेलवे ट्रैक। और ये आगे आकर्षित जा रहे हैं येलो जैकेट पहने। और देखिए थोड़ी देर बाद वहाँ से ट्रेन निकली थी, मालगाड़ी। और बचपन में ना हम लोग इधर पे आते थे ना, तो रेलवे ट्रैक पे खूब सारी गिट्टी गिट्टी रख देते, तो जब ट्रेन निकलती थी ना तो सब चूर चूर हो जाती थी। और बचपन की मस्ती की तो बात ही अलग है। आप लोगों में से जिनके भी घर रेलवे ट्रैक के पास होंगे तो बताना आप लोग भी ऐसे ही करते थे क्या जैसे मैं शरारत करती थी। और आज बहुत दिन बाद पुराने दिन याद आ गए वॉइस ओवर करते समय। तो चलिए फिर चलते हैं अपने पंडित जी के घर। दादी की कैसे चोट लग गई थी बउआ, कहाँ से गिर गई थी? छत से गिर गई थी। चोट कहाँ लगी दादी के? और तुमने डॉक्टर को नहीं बुलाया था? बुलाया था। तो डॉक्टर ने क्या कहा था, सुई लगानी पड़ेगी? नहीं। हाँ दादी। अच्छा दवाई। अच्छा इधर आओ राम जी। पंडित जी राधे राधे। बढ़िया सा कुछ बताओ। जय माता दी। पंडित जी बहनों के सामने आके अपने पंडित जी थोड़े पीछे पड़ जाते हैं। और ये रहे थे मेरे पंडित जी, अभी आपसे राधे राधे करके गए हैं। और ये रही मेरी भाभी, राधे राधे। आओ चाची इधर आओ। और मैं जब मायके आती हूँ ना तो अपनी चाची के पास जरूर आती हूँ। राधे राधे, राधे राधे। ये है हमारी चाची, और अभी जिनसे मिलवाया था वो चाची की बहू है। चाचा वहां बैठे क्यों, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये क्या है? काऊ है, काऊ बेबी है। अच्छा ये काऊ है, काऊ बेबी कहाँ है फिर? काऊ बेबी वो है, छोटी सी है, काऊ बेबी है। चाची कितनी गैया रखे हो अभी? ये आप ही की तो है। देखो भाई मेरे पंडित जी की छोटी सी बगिया, वो तो पालक लगी है मैं लग रहा है। वो पालक है, धनिया है, चुकंदर लगे। ये क्या है जिसमें सफेद सफेद फूल है? ये वो है क्या कहते हैं, अच्छा वो छिया टाइप की निकलती है। ये धनिया है। हाँ ये नंगे पाँव आ गया। ये बैगन के हैं। और क्या क्या लगा है? इधर वो येलो येलो।